आज हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों की तुलना और पूर्णांकों को क्रम में व्यवस्थित करना। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती हैं जब हमें किन्हीं भी दो पूर्णांकों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है। जैसे किसी दुकानदार को एक पेन बेचने पर 5 रुपए लाभ यानी प्रॉफिट होता है, लेकिन एक किताब बेचने पर 5 रुपए का नुकसान यानी लॉस होता है। आइए इन पूर्णांकों की तुलना करें। पूर्णांकों की तुलना करने के लिए संख्या रेखा एक उपयुक्त साधन है। आइए पूर्णांकों की संख्या रेखा बनाएं। सबसे पहले एक रेखा खींचिए और उस पर समान अंतर पर बिंदु अंकित कीजिए। इनमें से किसी एक बिंदु को शून्य से व्यक्त कीजिए। आप किसी भी बिंदु को शून्य से व्यक्त कर सकते हैं। जिस बिंदु को शून्य से व्यक्त किया जाता है उसके दाई ओर 1, 2, 3 इत्यादि धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को व्यक्त किया जाता है। इन्हें धन चिन्ह यानी प्लस साइन के साथ यानी कि धन 1, धन 2, धन 3 इत्यादि से व्यक्त करना भी सही है। इसी तरह शून्य के बाई ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से यह बन गई पूर्णांकों की संख्या रेखा। यहाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों की संख्या रेखा पर सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य के दाई ओर होते हैं और सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य के बाई ओर। यह एक क्षैतिज संख्या रेखा यानी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। इसी प्रकार से हम ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा यानी वर्टिकल नंबर लाइन भी बना सकते हैं। इस पर शून्य से ऊपर धनात्मक पूर्णांक व्यक्त किए जाते हैं और शून्य से नीचे ऋणात्मक पूर्णांक। इस वीडियो में हम क्षैतिज संख्या रेखा का ही प्रयोग करेंगे। अब अगर हमें संख्या रेखा पर धन 5 अंकित करना हो तो यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। आपने बिल्कुल सही सोचा। चूंकि धन 5 एक धनात्मक पूर्णांक है इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए हम शून्य से दाई ओर 5 कदम चलेंगे और धन 5 व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार ऋण 5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है इसलिए संख्या रेखा पर इसे व्यक्त करने के लिए शून्य से बाई ओर 5 कदम चलेंगे और ऋण 5 व्यक्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम संख्या रेखा पर दाई ओर चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है और अगर हम बाई ओर चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। इसी समझ के साथ हम कह सकते हैं कि धन 5 ऋण 5 के दाई ओर स्थित है इसलिए धन 5 ऋण 5 से बड़ी संख्या है। ध्यान दें कि तुलना के लिए प्रयोग किए चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब हमें पूर्णांकों को किसी क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक हो जाता है। जैसे किसी प्रतियोगिता में मीरा को धन 4 अंक प्राप्त हुए, रमन को धन 6 अंक प्राप्त हुए, समीर को ऋण 5 अंक प्राप्त हुए और अंकिता को ऋण 3 अंक प्राप्त हुए। अगर हमें पता करना है सबसे ज्यादा या सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए तो इसके लिए हमें चारों के अंकों को किसी क्रम में व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए हम इनके अंकों की तुलना करेंगे। आइए पहले मीरा और रमन के अंकों की तुलना करें। चूंकि संख्या रेखा पर धन 4 धन 6 के बाई ओर है इसलिए धन 4 धन 6 से छोटा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धन 6 धन 4 के दाई ओर है इसलिए धन 6 धन 4 से बड़ा है। इसी तरह आइए समीर और अंकिता के अंकों की तुलना करें। ऋण 5 ऋण 3 के बाई ओर है इसलिए ऋण 5 ऋण 3 से छोटा है, या हम कह सकते हैं ऋण 3 ऋण 5 के दाई तरफ है इसलिए ऋण 3 ऋण 5 से बड़ा है। अब हम धन 4 और ऋण 3 की तुलना करेंगे। चूंकि धनात्मक पूर्णांकों का मान ऋणात्मक पूर्णांकों के मान से बड़ा होता है इसलिए धन 4 ऋण 3 से बड़ा है। इसी के साथ हम दी संख्याओं को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं या आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में
इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी के साथ यह बता पाना आसान है कि सबसे ज्यादा अंक रमण को और सबसे कम अंक समीर को प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आज हमने सीखा संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों की तुलना और पूर्णांकों को क्रम में व्यवस्थित करना। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे।